वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम कैसे इस तरह का मैनिपुलेटेड इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले इमेज का स्काई रिमूव करेंगे। मुझे ये नीचे वाला पार्ट चाहिए, इसके लिए रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हुए ये देखिए मैं इसकी एक सिलेक्शन बनाऊंगा इस तरह से। यूं सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन। इसको यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा, इससे ये सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई होगा। ये देखिए ये आइकन आपको शो हो रहा होगा, ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसकी सेचुरेशन थोड़ी कम करूँगा, ऑलमोस्ट मैं इसको -30 के आसपास रखता हूँ। थोड़ी सी लाइटनेस को भी कम करेंगे, यहाँ पर मैं -20 के आसपास फिलहाल रख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे लेवल्स। इसको भी साथ साथ क्लिपिंग मास्क करते जाइएगा आप। ये देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। इसके ये हाईलाइट वाले स्लाइडर को मैं लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा, मुझे थोड़ा और डार्क करना है इसको। ऑलमोस्ट इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ। इस फोल्डर में मैंने तमाम इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं जो हम यहाँ इस इमेज में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं क्लाउड वाले इमेज को ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में ले आता हूँ। यहाँ लाने के बाद ये देखिए इसको रिसाइज करेंगे। ऑलमोस्ट मैं इसको इस तरह से रिसाइज करते हुए यहाँ से ओके कर देंगे। अब मैं इसको यूँ ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाऊँगा और मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और फिर से यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन। इसको भी यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। इसकी सेचुरेशन को मुझे कम करना है, मैं इसको ऑलमोस्ट -40 के आसपास रखता हूँ। हम इन वैल्यूज़ को बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटनेस को भी थोड़ा सा मैं कम करूँगा, इसको मैं -10 रख रहा हूँ फिलहाल और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ये लेवल्स अप्लाई किए थे हमने इस वाले इमेज पर। इसके मास्क को सिलेक्ट रखते हुए आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिएगा। ब्रश टूल सेलेक्ट करना है हमें। इसकी ओपेसिटी यहाँ पर मैं फिलहाल 35% रखता हूँ, फ्लो को 60% रखेंगे। और ये देखिए कुछ एरिया पे मुझे इस तरह से पेंट करना है, मुझे लाइटिंग ऐड करनी है। इस तरह से आप लाइटिंग ऐड कर दीजिएगा। ये ऐड करने के बाद फिर से हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इस बार ये वाला इमेज मैं ओपन करता हूँ। इसको फोटोशॉप में ले आएंगे, मुझे यहाँ से माउंटेन्स को कॉपी करना है। क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए मैं इस तरह से इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ। यूँ सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से हम लेयर मास्क ऐड कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिएगा, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस मेन डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करते हुए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको फ्लिप हॉरिजेंटली कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हमें एडजस्ट करना है। मुझे इसको रिसाइज भी करना है, यानी बड़ा करेंगे इसको, ऑलमोस्ट इतना रखते हैं। और यहाँ नीचे लाने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसी के लेयर मास्क पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ आने के बाद स्मार्ट रेडियस के इस बटन को चेक कर दीजिएगा और यहाँ पे हम 1 पिक्सल देंगे। थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे फेदर ऐड करेंगे, यहाँ पे फेदर की वैल्यू भी मैं 1 पिक्सल दूंगा। नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स के इस ऑप्शन को चेक कर दीजिएगा। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स के ऑप्शन को मैं अनचेक करूँगा और फिर से चेक करता हूँ, आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद न्यू लेयर विद लेयर मास्क के साथ यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ये देखिए उसने एक न्यू लेयर ऐड कर दिया और इसको अपडेट कर दिया है। इस पुरानी वाली लेयर को हम यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर से इस लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन। यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से इसकी मैं सेचुरेशन को कम करता हूँ, ऑलमोस्ट इसको मैं -55 या -60 के आसपास रखूँगा। थोड़ी सी लाइटनेस को भी कम करेंगे, मैं इसको यहाँ पे -20 के आसपास रखता हूँ। हम इन तमाम वैल्यूज़ को बाद में भी एडजस्ट करेंगे फाइनलाइज करने के लिए। फिलहाल यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करूँगा मैं यहाँ से कलर बैलेंस। इसको भी यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करने के बाद यहाँ पर कर लेता हूँ, आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिखेगा। यहाँ पर हम कलर बैलेंसिंग करेंगे इसकी। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रेड ऐड करूँगा इसमें, ऑलमोस्ट इतना, बहुत ज़्यादा नहीं हमें करना। और थोड़ा सा ब्लू भी ऐड करेंगे इस तरह से। और यहाँ टोन्स में आप चेंज कीजिएगा मिड टोन्स को हाइलाइट्स में।
हाईलाइट्स में ये सियान को थोड़ा सा ऐड करूंगा, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी मुझे इसकी। यहाँ से मेजेंडा भी ऐड करेंगे, ये देखिए मेजेंडा और ग्रीन का जो स्लाइडर है इसको मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं -12 के आसपास रखता हूँ और थोड़ा सा ब्लू भी ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट इतना। और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे, Ctrl-0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट मैं फिर से एडजस्टमेंट लेयर को ओपन करूँगा और इस बार यूज़ करेंगे यहाँ से कर्व्स। यहाँ से इसको भी क्लिपिंग मास्क कर देंगे और इस ग्राफ को मैं यहाँ से नीचे लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ से भी लेके आऊँगा इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिएगा। अब इसी को सिलेक्ट रखते हुए फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इस बार ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और ये देखिए बिल्कुल एजिस पे पेंट करेंगे। इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ और बिल्कुल एजिस पे मैं पेंट करूँगा इन माउंटेन्स के। ये देखिए थोड़ी लाइटिंग ऐड करनी है मुझे। इस तरह से लाइटिंग ऐड करेंगे। इसके बाद इसी के मास्क को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार मैं इसकी ओपेसिटी 30% कर देता हूँ और बिल्कुल एजिस पे मुझे पेंट करना है। ये देखिए नीचे वाले एजिस पे, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर लेता हूँ, 15% कर लेता हूँ, सॉरी 15। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पेंट करेंगे, ये मर्ज करते जाएगा इसको। इस तरह से पेंट करने के बाद Ctrl-0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। हम साथ साथ अपने इन तमाम लेयर्स को ऑर्गेनाइज भी करते जाएंगे। ये देखिए माउंटेन्स वाली लेयर पे जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किए थे इनको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करते हुए, Ctrl-G प्रेस करेंगे, इसका एक ग्रुप बना लेंगे और इसका नाम भी चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर इसका नाम माउंटेन्स ही रखूँगा और एंटर कर दीजिएगा। इसी तरह नीचे वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और Ctrl-G प्रेस करते हुए इसका भी ग्रुप बनाते हुए इसका भी नाम चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर बेस रखता हूँ और इसी तरह इस वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और साथ में इस वाली लेयर को भी, Ctrl-G प्रेस करेंगे और इसका नाम यहाँ पे मैं क्लाउड टाइप कर लेता हूँ और एंटर कर दीजिएगा। अब फिर से मैं इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और अपने फोल्डर को फिर से ओपन करेंगे और इस बार मैं यहाँ से इस वॉल्फ के इमेज को ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में ले आऊँगा। टाइम की बचत के लिए मैंने ये पहले से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ था। ये देखिए इसको यहाँ पर मुझे रिसाइज करना है, ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। मुझे इसको थोड़ा सा शार्प भी करना है, इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा फिल्टर में, शार्पन, और यूज़ करेंगे अनशार्प मास्क। यहाँ आने के बाद इसके थ्रेशोल्ड को मैं 1 रखूँगा, अमाउंट मैं 30 के आसपास रखूँगा और रेडियस को मैं यहाँ पे 2 रखूँगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे इसका शेडो क्रिएट करेंगे। ये देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। मुझे यहाँ इससे नीचे लेयर ऐड करनी है। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें मुझे ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। Ctrl-D प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसी पे राइट क्लिक करता हूँ और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। Ctrl-T प्रेस करेंगे और ये देखिए यहाँ से मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इसकी इस तरह से पोजीशन दूंगा, यहाँ पे रखेंगे इसको और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी मुझे ओपेसिटी कम करनी है, यहाँ पे मैं इसकी 60% ओपेसिटी रखता हूँ। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 के आसपास रखूँगा, आई थिंक थोड़ी और इंक्रीज़ करते हैं, 12 के आसपास रखेंगे। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा शेडो यहाँ पे भी क्रिएट करना है इसके फीट्स के नीचे। इसके लिए मैं एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ जो कि ब्लैंक लेयर है। यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और ये देखिए इस तरह से मैनुअली हम ड्रॉ करते जाएंगे, एक सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद इसमें भी ब्लैक कलर फिल करना है मुझे। मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। Ctrl-D प्रेस करेंगे, इसको भी डीसेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे फिर से फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। इस बार इसकी वैल्यू मैं थोड़ी कम करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी 7 रखता हूँ
और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे बाहर की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी 70% टाइप कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस वॉल्फ को भी मैच करेंगे बैकग्राउंड के साथ। आप इस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन। यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा, इससे ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। सबसे पहले थोड़ी सी सेचुरेशन कम करेंगे और लाइटनेस को भी मैं कम करूँगा, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, -20 के आसपास, और यहाँ से बंद कर देंगे। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर बैलेंस। यहाँ आने के बाद इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा और ये देखिए इसमें थोड़ा सा रेड ऐड करेंगे और थोड़ा सा ब्लू भी ऐड करना है हमें, और यहाँ मैं झंडा की तरफ भी लेके जाऊँगा। बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है हमें इसकी, आप अपने इमेज के मुताबिक इन वैल्यूज को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर दीजिएगा, फिर से एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करेंगे और इस बार यूज़ करेंगे यहाँ से कर्व्स। क्लिपिंग मास्क करने के बाद यहाँ से इस ग्राफ को मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ और यहाँ सेंटर से भी इसको इस तरह से डार्क करना है मुझे, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर दीजिएगा। अब इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिएगा, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करता हूँ, 25% रखता हूँ, फ्लो को 60% ही रखेंगे और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। मुझे इसके एजेस पे पेंट करना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी पेंट करेंगे। नेक्स्ट हम अपने इस फोल्डर को फिर से ओपन करेंगे और इस बार मेरे पास ये एक कार का इमेज है, इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ ले आएंगे। मुझे इसको रीसाइज भी करना है, थोड़ा छोटा करेंगे, ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और ह्यू सेचुरेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा, सेचुरेशन थोड़ी कम करने के बाद लाइटनेस को भी कम करेंगे, ऑलमोस्ट मैं इसको -25 के आसपास रखूँगा, और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और इस बार यूज़ करेंगे कर्व्स। क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा और यहाँ से इसको मैं ग्राफ को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और कुछ थोड़ा यहाँ से लेके जाऊँगा। मुझे थोड़ा डार्क करना है इसको इस तरह से, और यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिएगा, कर्व वाली लेयर को हम सेलेक्ट रखेंगे और ये देखिए जूम इन कर लेता हूँ मैं यहाँ। आप अपनी ओपेसिटी को 30% के आसपास रखिएगा, फ्लो को यहाँ पे 60% रखेंगे, और ये देखिए यहाँ पे मुझे पेंट करना है, लाइटिंग ऐड करनी है इनके टायर्स पे, जो ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पे मुझे लाइटिंग ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह से लाइटिंग ऐड करते जाएंगे, इस जगह पे भी ऐड करेंगे थोड़ी, और यहाँ एजेस पे भी थोड़ी सी करेंगे लाइटिंग ऐड। इस तरह से लाइटिंग ऐड करने के बाद कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस कार की हेडलाइट्स को भी ऑन करेंगे, ये देखिए मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से। यूँ जूम इन करने के बाद यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम लाइटिंग का कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसकी हार्डनेस को हम थोड़ा सा कम करेंगे। ये देखिए आप इस पैलेट को ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसकी हार्डनेस 20% रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए, और इसी तरह इस वाली एरिया पे भी क्लिक करेंगे, दोनों लाइटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कीजिएगा, यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे लीनियर लाइट, ये देखिए। अब हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। इसके बाद यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करते हुए यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ आने के बाद ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा, इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 60 के आसपास रखेंगे। यहाँ पे आप साइज़ को भी ये देखिए मैं कम या ज़्यादा करूँगा तो आप लाइटिंग का इफेक्ट देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, 40 के आसपास देंगे, और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करके देखते हैं। नेक्स्ट हम इसकी लाइटिंग की थ्रो भी बनाएंगे, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ
और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, ब्लैंक लेयर ऐड कर दी मैंने। अब आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस कीजिएगा, पेन टूल सेलेक्ट करना है मुझे, और ये देखिए इस तरह से हम इसका एक पाथ बनाएंगे। और एक क्लिक यहाँ करेंगे, इस तरह से आप पाथ बना लीजिएगा लाइटिंग का। पाथ बनाने के बाद इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मेक अ सिलेक्शन, फेदर यहाँ पे हम 1 पिक्सल देंगे और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें इसमें फोरग्राउंड कलर ऐड करना है, जो कि हमने इस लाइटिंग के लिए यूज़ किया था। आप ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा और ये देखिए कलर इसमें ऐड हो चुका है। कंट्रोल डी करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे, यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे लीनियर लाइट। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ से हम 5 से 6 पिक्सल देंगे, मैं यहाँ पे 6 टाइप कर देता हूँ और ओके कर दीजिएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 10% कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। इस पर हम लेयर मास्क ऐड करते हैं, ये देखिए इस लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, लेयर मास्क ऐड हो चुका है। फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी मैंने 15% रखी है और फ्लो 60% रखा है। और ये देखिए बिल्कुल एजिस पे पेंट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से पेंट करने के बाद अब इसी लेयर पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे हम लेयर स्टाइल में। मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, आपको प्रीव्यू भी दिखेगा। यहाँ से ये देखिए अंडरलाइन के स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊँगा, ऑलमोस्ट इतना। मुझे यहाँ से लाइटिंग ख़त्म करनी थी, यहाँ रखने के बाद हम यहाँ से इसको भी ओके कर देंगे। Ctrl 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम अपने इस फोल्डर को फिर से ओपन करेंगे और इसमें मेरे पास ये एक वुमेन का इमेज है, इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आएंगे। इसको मुझे रिसाइज करना है, इस कार के ऊपर इसको मुझे बिठाना है। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ऑलमोस्ट इतना। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन। यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर देंगे और इसकी सेचुरेशन थोड़ी कम करेंगे और साथ साथ इसकी लाइटनेस को भी थोड़ा सा कम करना है। और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमें इस वेमेन का शेडो क्रिएट करना है। आप इसी लेयर पर कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक कीजिएगा, ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम नीचे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, इस लेयर से नीचे लेयर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है, इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे, जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हुए ब्लैक कलर फिल करेंगे, ये देखिए थंबनेल में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर फिल हो चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और कंट्रोल प्रेस करते हुए ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेके जाता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे वॉर्प। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा वापस लेके आऊँगा इस जगह पे, यहाँ से भी इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे इस तरह से। यूँ एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 60% टाइप कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हमें देनी, हम यहाँ पे 2 पिक्सल्स देंगे, 2.5 दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। मैं इसी पे लेयर मास्क ऐड करूँगा, आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। और यहाँ पे मुझे पेंट करना है, ये देखिए फ्लो इसका मैं 25% रखता हूँ, सॉरी ओपेसिटी में यहाँ 25% रखी है और फ्लो 60% रखेंगे। और यहाँ टॉप पे थोड़ा सा इस तरह से पेंट कर देंगे, यानी मास्किंग कर देंगे इसकी। और इसी शेडो वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए मैं इसको थोड़ा सा मैन्युअली नीचे कर लेता हूँ। और इस तरह एडजस्ट करने के बाद Ctrl 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे फिर से। नेक्स्ट स्टेप में हम टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद
3D LUT के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे नाइट फ्रॉम डे, और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे, यहाँ पे फ़िलहाल इसकी ओपेसिटी मैं 60% टाइप कर देता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे कर्व्स। हमें इस बार इन लेयर्स को क्लिपिंग मास्क नहीं करना क्योंकि ये ओवरऑल सारी लेयर्स पर अप्लाई करना है। ये देखिए, यहाँ से इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने इमेज के मुताबिक इनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और फिर से एक दफ़ा यूज़ करेंगे कलर लुकअप। फिर से ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूँ और इस बार मैं यहाँ से यूज़ करूँगा ये ब्लीच बाईपास, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से बंद कर देंगे। मुझे इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है, मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 50% टाइप कर देता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा मैनिपुलेटेड इमेज क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी अपने इमेजेस को कंबाइन करते हुए मैनिपुलेटेड इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने इमेजेस के मुताबिक इनके ओपेसिटीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।